चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, आपका हमारी न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। बड़ी खबर आई है जहां हरियाणा में भाजपा नेता हुए आमने सामने, राव इंद्रजीत के किले को भेदने की तैयारी। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भाजपा हिरवाल क्षेत्र में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के नखरे अब ज्यादा समय तक नहीं झेल पाएगी। इस क्षेत्र में अचानक बढ़ रही केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र यादव की सक्रियता इस बात का संकेत दे रही है। अहिरवाल की राजनीति के मैदान में अब भूपेंद्र यादव खुलकर बैटिंग करने के लिए तैयार है। रिवाड़ी में सैनी सभा के कार्यक्रम में शामिल होने के दूसरे ही दिन दड़ोली कनीना और महेंद्रगढ़ में हुए कार्यक्रम इस बात का इशारा करने के लिए काफी है कि अब भूपेंद्र अपने दम पर अहिरवाल क्षेत्र में राव मुक्त भाजपा का दमदार ग्राउंड तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। कई पुराने नेताओं और कार्यकर्ताओं का करीब 8 साल बाद सामंजस्य नहीं बैठ पाया। इस क्षेत्र में अपने मजबूत जनाधार की बदौलत वह पार्टी हाईकमान को कई बार अपनी जिद के सामने झुकाने में कामयाब भी हो चुके हैं। वितरण से लेकर मंत्रिमंडल के गठन तक राव ने अपनी खूब चलाई थी यह सिलसिला। उसके बाद पार्टी शिमल पर लड़े जाने वाले निकाय चुनाव के चेयरमैन की टिकट तक पहुंच गया था। अहिरवाल में अपने जनाधार की बदौलत उन्होंने हमेशा पार्टी हाईकमान को अपनी शर्तों पर चलने के लिए मजबूर किया। इसके बावजूद वह प्रदेश सरकार के साथ तालमेल बनाकर नहीं चल पाए। कई मौकों पर वह प्रदेश सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर चुके हैं। पार्टी में रहकर पार्टी पर हमला बोलना उनकी फितरत में शामिल हो चुका है। भाजपा के पुराने नेताओं और कार्यकर्ताओं से राव की दूरी अभी तक बरकरार है। गत वर्ष भाजपा ने भूपेंद्र यादव को केंद्र में मंत्री बनाकर राव को अप्रत्यक्ष रूप से झटका देने का काम किया था। इसके बाद अहिरवाल क्षेत्र में जब भूपेंद्र की स्वागत यात्रा निकालने के लिए निर्णय लिया गया तो इंद्रजीत सिंह ने किनारा कर लिया था। राव खेमा खुद को बुरी तरह परास्त मानने लगा था। इस यात्रा में राव समर्थकों को बुलाया तक नहीं गया। राव ने एन मौके पर भूपेंद्र के साथ अपने रिवाड़ी निवास पर डिनर फिक्स करार कार्यक्रमों को हौसला देने का प्रयास किया था, लेकिन इसके बाद पार्टी को नए सिरे से अपनी राजनीतिक ताकत का एहसास कराने के लिए 23 सितंबर को पटौदा में शहीदी दिवस रैली का आयोजन किया था। बने रहिएगा चैनल के साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।